दुख भरी प्रेम कहानी, सैड लव स्टोरी इन हिंदी। एक बार की बात है, मैं नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर घूम रहा था, पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। वहाँ पर मुझसे पहले ही एक लड़की पहुँच गई थी। मैं उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। वो लड़की मुझे इस तरह से देख रही थी कि मानो मैं उसका कोई दुश्मन हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों का इंटरव्यू हुआ और हम दोनों ही उस कंपनी के द्वारा चुन लिए गए। मुझे भी खुशी हो रही थी और उस लड़की को भी। बाहर आने के बाद मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कारण मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। मैंने हंस दिया, वह भी हंस पड़ी। अब हम एक दोस्त के जैसे ही हो गए। वह उस शहर में नई थी, मैं भी उस शहर में नया ही था। हमें रहने के लिए कोई किराए पर मकान की जरूरत थी। अब हम दोनों मकान खोजने निकल पड़े। हमें शाम तक एक मकान मिल ही गया। वह मकान काफी अच्छा था, पर उसका किराया थोड़ा सा ज्यादा था। मैं उस मकान के मालिक को किराया कम करने को कहता ही रह गया, पर उसने एक भी पैसा कम नहीं किया। उस लड़की ने कहा, क्यों ना हम एक ही मकान में रहें, जिस कारण हमें आधा आधा किराया देना होगा। मुझे यह विचार अच्छा लगा। हमने वह मकान ले लिया। हम दोनों ने मकान की सफाई की, कुछ जरूरी सामान को खरीदा। अब हम दोनों सोचने लगे कि खाना कौन बनाएगा। चूंकि मुझे खाना बनाने नहीं आता था, तो उस लड़की ने कहा, मैं खाना बना दूंगी, पर तुम्हें कपड़े और बर्तन को धुलना होगा। मैं तैयार हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे की काफी मदद किया करते थे। आधा काम वह करती और आधा काम मैं। हम दोनों बड़े अच्छे से कंपनी का भी काम किया करते थे। अब हमें करीब 2 साल साथ रहते हुए हो गया था। मुझे वह कोई पराया नहीं लगती थी। हम दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताया करते थे। हमारी जिंदगी काफी मजेदार थी। एक दिन मुझे फोन आया कि मेरे पिताजी का दुर्घटना हो गया है। मैंने ये खबर उस लड़की को बताई। उस समय मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। उस लड़की ने मुझे पैसे दिए और घर जाने को कहा। मैं अगले दिन ही अपने गाँव के लिए निकल पड़ा। मैं रास्ते भर उस लड़की के बारे में सोचता रह गया। मैंने घर आकर अपने पिता को देखा। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे घर वाले ने मुझे शादी करने के लिए बुलाया था। मेरे घर वाले ने मेरे लिए एक लड़की देख रखा था। मुझे बस शादी करना था। अब मेरे दिल और दिमाग में बस वही लड़की थी। मैंने उसे फोन किया। फोन उठाते ही वह मेरे पिताजी के बारे में पूछ रही थी। मुझे वह कह रही थी कि तुम कोई चिंता न करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो तुम मुझे जरूर बता देना। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने अंत में बस इतना कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फोन करता हूँ। इसके बाद मैंने अपने फोन को बंद कर दिया। उसके बाद आज तक मैंने उस फोन को खोला ही नहीं। मुझे आज तक इस फोन में से उस लड़की की आवाज आती है। उस लड़की के साथ क्या हुआ? अब वह कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैंने उस लड़की से शादी भी कर लिया, जिस लड़की को मेरे घर वालों ने पसंद किया हुआ था। ये कहानी मुझे बताते हुए मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। बस मेरी यही कहानी है। इस कहानी में प्रेम को तोड़ने वाला सिर्फ मैं हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है।